Mandavia ji, we are indeed fortunate and privileged. And I just don't say it as a formality. We had the opportunity to meet you in person, and you were extremely upfront, extremely positive, extremely encouraging. And we are so delighted to have you as our minister who cares about the welfare, development, and the expansion of our sector. Thank you very much, Mandavyaji, for being here with us today. And I request you to please accept this virtual memento from ICC. Mr. Goenka, Mansukh ji will join us very, very shortly. जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Ladies and gentlemen, we'll wait till the honorable minister joins us. Mansi, he's joined us. If you can. All right. The honorable minister is with us, and I will now request Mr. Ravi Goenka to present a memento to honorable Sri Mansukh ji Mandavia, honorable minister. Thank you, sir. I will now request honorable Sri Mansukh ji Mandavia to address the attendees. थैंक यू. सभी को मेरा नमस्कार. आईसीसी के 16th एनुअल अवार्ड फंक्शन के आयोजन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं. आईसीसी 1938 से पूरे केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सराहनीय काम कर रहा है. जो लोग अच्छा काम और जिम्मेवारी का काम आपकी केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है. मैं सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं. मैं आईसीसीए के प्रेसिडेंट और दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल्स प्रोड्यूसिंग कंपनी बीएसएफएसी के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चेयरमैन डॉक्टर मार्टिन ब्यूटरमुलर का स्वागत करता हूँ. केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी का आधार है. कई दूसरे सेक्टर्स का विकास इस पर निर्भर करता है. 18,000 से अधिक कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स पर इस इंडस्ट्रीज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है. पिछले दशक में इस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट जीडीपी के ग्रोथ रेट से हमेशा अधिक रही है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले कई सालों तक इसी तरह की ग्रोथ रेट बनी रहेगी. कोविड-19 महामारी जब आई तो इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसमें इस इंडस्ट्रीज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आपकी इंडस्ट्रीज ने कई ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटाइजर आदि जो नहीं बनाया होता तो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती. और इसलिए फार्मा सेक्टर की आपने भी काफी मदद भी की है. इससे देश मास वैक्सीनेशन आज जो कर रहा है उसका आधार भी आप है. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में जो चिंता जताई जा रही है, वैसे में केमिकल्स इंडस्ट्रीज को भी इन बातों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि आज के दिन में R&D करना चाहिए. मुझे बताया गया है कि आईसीसी के ओर से रिस्पॉन्सिबल केयर और नाइसर ग्लोब जैसे इनिशिएटिव चलाया जा रहा है. ऐसे इनिशिएटिव से बेहतर पर्यावरण सुनिश्चित होती है और साथ ही बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है. केमिकल्स इंडस्ट्रीज से मेरी यह भी अपेक्षा है कि आप प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत
के जो मूल मंत्र को ध्यान में रखकर आप काम करेंगे। ऐसा करने पर पूरी दुनिया में भारत की पहचान केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हब के हम बना सकते हैं। इसका फायदा हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को तो मिलेगा और रोजगार का नया अवसर भी पैदा करेंगे। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पीएलआई स्कीम लेके आई। इसके तहत मोदी सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की इंसेंटिव भी दी है। इससे काफी फायदा भी हो रहा है। फार्मा सेक्टर में देखो, फार्मा सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम लाई गई। इससे भारत के फार्मा इंडस्ट्रीज की भी आज के दिन में ताकत बढ़ी है। भारत दुनिया की फार्मेसी बन रहा है और भारत में ड्रग सिक्योरिटी आज सुनिश्चित हो रही है। पीएलआई स्कीम का केमिकल सेक्टर पर मल्टी प्लेयर बेनिफिट हो रहा है। भारत के पूरे केमिकल्स इंडस्ट्रीज को यह सोचना चाहिए कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस कैसे कम करें। इसके लिए हम सब मिलकर एक टाइमलाइन बनाकर रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कैसे काम करें, इस पर हम सभी को मंथन करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। केमिकल सेक्टर एक नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर है, इसलिए यहाँ जो रिसर्च का काम हो उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज के बीच एक बेहतर तालमेल होना बहुत आवश्यक है। इसमें दोनों का फायदा है और इससे भी बढ़कर इस तालमेल का सबसे बड़ा फायदा तो देश को होगा। और इसलिए सिपेट ने एकेडेमिया इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन का एक मॉडल विकसित किया है। सिपेट मॉडल से दूसरे संस्थान भी मुझे लगता है कि सीख सकते हैं। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। सिपेट आज मैं जब मंत्री बना मुझे पता है कि सिपेट को भारत सरकार की ओर से मदद की जाती थी। आज 6-7 साल में स्थिति बदली है। 6-7 साल में सिपेट सेल्फ सस्टेन हो गई। क्यों हो गई? मैंने उसको कहा कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं केमिकल्स पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, आप एजुकेशन भी देते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, तो क्यों एमएसएमई हो, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हो, उसका कोई रिसर्च कराना है, उसको कोई रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ डेवलप करना है, आप नहीं कर दे सकते हैं। जो आप करेंगे तो आपको वहां से पैसा भी मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, उसका भी काम होगा और आपका भी काम होगा। और ये सक्सेसफुल मॉडल आज विकसित हो गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 46 सिपेट के माध्यम से देश में इंडस्ट्री सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ट्रेन मैन पावर हर साल 1,00,000 ट्रेनिंग ट्रेन मैन पावर तैयार किया जा रहा है। वो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मदद रूप हो रहा है। वैसे ही भारत में इस उद्योग में वैश्विक निवेश की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए मैं क्लस्टर अप्रोच अपनाने पर विचार करना चाहता हूँ। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और हमारी इंडस्ट्रीज वैश्विक स्तर पर और कॉम्पिटिटिव बनेगी। इससे हमारे यहाँ स्वाभाविक तौर पर निवेश भी बढ़ेगा। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार कई कदम उठा रहे हैं। इन कदमों का फायदा केमिकल्स इंडस्ट्रीज को निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में काम हो रहा है उसका कोई ना कोई संबंध केमिकल्स इंडस्ट्रीज से तो है ही। सरकार के इन कदमों की वजह से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मींस एपीआई बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, पीवीसी, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स और कई तरह के दूसरे केमिकल्स की भी मांग आज के दिन में बढ़ी है। केमिकल इंडस्ट्रीज को यह मानकर चलना है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो देश की कई सारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी।
पूरी पूरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, और जब पूरी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, पूरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए देश को आगे बढ़ाने की क्षमता ये हमारी इंडस्ट्रीज में है। और इस मौके पर मैं केमिकल इंडस्ट्रीज को यह एश्योर करता हूँ कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय से जो भी सहयोग आपको चाहिए, वो सारे सहयोग मैं आपको हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। आपकी इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, आपकी इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो कोई इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता हो, कोई पॉलिसी मैटर हो, तो आप अवश्य आइए, मेरे साथ डिस्कस करिए, हम साथ में मिलकर उसका सलूशन निकालेंगे और हमारे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। आज ICC को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज के इस अहम अवसर पर आपने सभी को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रकट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर एक्सटेंडिंग योर बेस्ट विशेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ICC हैज कम अप विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मेंबर्स डायरेक्टरी। दिस एडिशन ऑफ द डायरेक्टरी कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। आई रिक्वेस्ट श्री मनसुख जी मांडविया and Dr. Martin Brudermüller to release this updated version of the members' directory of ICC. Thank you for doing the honors. Ladies and gentlemen, we will commence the presentation of ICC awards for the year 2020. I request Honorable Shri Mansukh Ji Mandviya to present the awards. ICC Acharya PC Ray Award for Development of Indigenous Technology, and the winner is Galaxy Surfactants Limited. Galaxy Surfactants Limited has developed Galgard Lipo-G, one of the patented non-toxic antimicrobial. The preservative compositions using the antimicrobial Galgard Lipo-G are biodegradable, eco-friendly and non-toxic to human and other living systems. This technology developed by Galaxy Surfactants has the potential of changing the landscape of preservation of personal care products. In recognition of this, Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Acharya PC Ray Award for Development of Indigenous Technology for the year 2020 on Galaxy Surfactants Limited. I request Dr. Nirmal Koshti, Director and Head Innovation, Galaxy Surfactants Limited, to accept the award. ICC Award for Excellence in Process Design and Engineering, and the winner is Jubilant Pharmova Limited. The drug substance Remdesivir is developed by Jubilant Pharmova in just 40 days, solving along the way design and production related issues and putting the drug in the market as JubiRTM. During the COVID-19 pandemic situation, the product was in high demand and was the first antiviral drug approved for the treatment of COVID-19 virus. Remdesivir is highly complex chiral molecule having 6 chiral centers and produced as single stereoisomer. Jubilant Pharmova, with help from its subsidiary, not only managed the difficult task of synthesizing Remdesivir, but also equally difficult task of developing QA procedures for a variety of isomers that got produced. In recognition of this,
Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Acharya PC Rate Award for Development of Indigenous Technology for the year 2020 on Jubilant Pharmova Limited. I request Dr. Saji Thomas, Vice President and Head R&D API, Jubilant Generics Limited, to accept the award. ICC Award for Excellence in Management of Health and Safety, Category 1, companies having annual sales revenue above Rs. 750 crores. And the winner is Lanxess India Private Limited, Jhagadia. Lanxess India Private Limited, Jhagadia, ensures safety across the supply chain, namely suppliers, toll and custom manufacturers, warehouses, transporters, along with CSR road safety initiatives. The unit has robust system, infrastructure and controls in place for managing all kind of risks involved in manufacturing processes. The Jhagadia unit has zero reportable cases in last 3 years and has 100% coverage of regular and contract employees on health and safety trainings and also trained more than 12,000 drivers in the year 2020 alone. In recognition of this, Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Award for Excellence in Management of Health and Safety for the year 2020 on Lanxess India Private Limited. I request Mr. Nilanjan Banerjee, Vice Chairman and Managing Director, Lanxess India Private Limited, to accept the award. ICC Certificate of Merit for Excellence in Management of Health and Safety, Category 1, companies having annual sales revenue above Rs. 750 crores. There are two winners in this category, namely Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Thal Unit, and Reliance Industries Limited, Jamnagar. RCF Thal Unit had no reportable accidents in the last 3 years, no show cause or closure notice in the last 3 years, and has covered 100% contract employees for health and safety trainings. The unit has a 24 hours operational occupational health center at the site and a 23-bedded hospital with all updated medical facilities, periodic medical examination of all contract employees, regular employees, CISF staff, canteen staff is conducted annually, and medical report is generated through SAP. A well-managed emergency procedure for factory accidents is followed. In recognition of this, Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Certificate of Merit for Excellence in Management of Health and Safety for the year 2020 on Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited. I request Sri S.C. Murgerikar, Chairman and Managing Director, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, to accept the Certificate of Merit. At Reliance Jamnagar, structured implementation of process safety management is by implementing 14 PSM elements through focus teams for each element. A rigorous and structured competency assurance system is followed to ensure safe operations all the time. The Reliance Safety Observation Program is well-defined 6-step program focusing on behavior safety for all level of employees. Hazard identification and task-based risk assessment is prepared at planning stage of all tasks. In recognition of this, Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Certificate of Merit for Excellence in Management of Health and Safety for the year 2020 on Reliance Industries Limited. I request Sri Sunil G. Kumar, Cluster HSEF Head,
Reliance Industries Limited to accept the Certificate of Merit. ICC Award for Excellence in Management of Health and Safety, Category 2. Companies having annual sales revenue below Rs. 750 crores. And the winner is Clariant Chemicals India Limited, Cuddalore. The Cuddalore site of Clariant Chemicals India Limited did not have any reportable incidents in the last 3 years. More than 1,500 drivers were provided training under different training programs. For safety during transportation, it has adopted the NYSA Globe initiative of ICC. The site has well-equipped occupational health center. All medical examinations for both contract and regular employee are conducted with periodicity and records are maintained. Some of the best healthcare and safety practices were followed during COVID-19 pandemic. In recognition of this, Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Award for Excellence in Management of Health and Safety for the year 2020 on Clariant Chemicals India Limited. I request Mr. Olichandran Mathivanan, Site Head, Cuddalore, Clariant Chemicals India Limited, to accept the award. ICC Certificate of Merit for Excellence in Management of Health and Safety, Category 2. Companies having annual sales revenue below Rs. 750 crores. And the winner is Indian Oil Tanking Limited, Chhattisgarh. To ensure a safe and comfortable work atmosphere, Indian Oil Tanking Limited follows the systems of scheduled periodical in-house and external training, induction training, HAZOP study, QRA, Safety Integrity Level, SIL, Hazardous Area Classification, Pre-Startup Safety Review, PSSR, Weekly, Monthly Inspections, Lux Level Study, HERA, Cross-Functional Safety Audit, External Safety Audit, Regular Management Safety Walks, Management of Change, MOC, Environment Monitoring. The terminal has achieved 100% coverage of own and contract employees on health and safety related training. A well-equipped OHC operates round the clock with paramedic staff. In recognition of this, Indian Chemical Council is pleased to confer the ICC Certificate of Merit for Excellence in Management of Health and Safety for the year 2020 on Indian Oil Tanking Limited. I request Mr. Rajat Bhaskar, General Manager, Operations, Chhattisgarh, Indian Oil Tanking Limited, to accept the Certificate of Merit. I thank the Honorable Minister, Shri Mansukh Ji Mandaviya, for presenting the awards. I now request Dr. Martin Rudermüller to present the next series of awards. ICC Award for Excellence in Management of Environment, Category 1, companies having annual sales revenue above Rs. 750 crores. And the winner is Aarti Industries Limited, Jagadia, Unit 2. Aarti Industries